सच की आवाज आपके हक की आवाज। भिवंडी मनपा के आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया के आदेश पर 35 परिवार के लोग अब होंगे बेघर। विशेष तौर पर आपको बता दें कि बिल्डिंग की जर्जर इमारत होने के कारण महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया ने भिवंडी के 33 शिवाजी नगर, जहां पर मनपा स्टाफ क्वार्टर के रूप में इस बिल्डिंग को जाना जाता है, इस बिल्डिंग में 35 परिवार के लोग रहते हैं, सभी को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग को खाली कर दिया जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि महानगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारी, महज 2 दिनों का समय मिला है और इस बिल्डिंग को खाली करना है। उन सभी का मानना ऐसा है कि महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया उन्हें कुछ दिनों की समय देते तो अपने घर का रहर बसेरा कहीं ना कहीं कर सकते थे, लेकिन 2 दिन के भीतर अगर उन्हें इमारत खाली करने का निर्देश दिया गया है तो आखिरकार इस कोरोना महामारी के संकट में वो अपना रहर बसेरा कहाँ करेंगे। ये सारे सवाल के साथ में आज हमारे चैनल की टीम जब वहाँ पर दौरे के लिए पहुँची तो वाकई बिल्डिंग की काफ़ी खस्ता हालात थी। बिल्डिंग की हालात देखने से आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग में स्टील लगी हुई है वो पूरी तरह से दिखाई दे रही है और उसमें जंग लगा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये खड़ा होता है कि 35 परिवार के लोग जो इस बिल्डिंग में अपना रहर बसेरा कर रहे हैं, आखिरकार वो अगर इस बिल्डिंग से जाते हैं, उन्हें निकाला जाता है, तो अपना रहर बसेरा कहाँ करेंगे। ऐसे में हमारे चैनल की टीम ने भिवंडी मनपा प्रभाग समिति 5 के सभापति फराज बाउद्दीन उर्फ बाबा इनसे मुलाकात की और इस बिल्डिंग में महानगर पालिका द्वारा जिस तरह से खाली करने का निर्देश दिया उनसे बातचीत की कि इस बिल्डिंग के बारे में उन्हें क्या मालूम है, तो उन्होंने भी अपने वक्तव्य में काफ़ी कुछ कहा, हम आपको जरूर सुनाएंगे। और साथ ही साथ इस बिल्डिंग के जो रहवासी हैं उन्होंने भी हमारे चैनल की टीम से बातचीत की और क्या कहा, देखिए इस विशेष खबर को। सर फक्त एक तो साहबान एकच विनंती आहे की आम्हाला कमीत कमी 10 दिवसाची मुदत त्यांनी द्यावी, खाली तर करणारच आहे, फक्त मुदत हवी आहे। बिल्डिंग की कंडिशन जे पूर मतलब खास गंभीर आहे, म्हणजे मनपाने आदेश दिले तर नाही, ऑडिट टक्चर झालेलं आहे आमच्या 2018 झालेलं आहे, पण बिल्डिंगची रिपेअरिंग काही झालेली नाही आहे। तेव्हा जर झालं असतं तर आज बिल्डिंग म्हणजे व्यवस्थित असती, एवढी काही आमची बिल्डिंग खराब नाही। 2 वर्षापूर्वी झालेलं आहे ऑडिट टक्चर 2020 आमची मागणी एकच, आता खाली करायला सांगितलं आम्हाला, आमची मोटर पण काढून नेलेली आहे, खाली तर करायचं आहे, फक्त आम्हाला मुदत हवी आहे कारण लगेच तुम्ही मिळणार नाही सर आम्हाला रूम, कारण बघता बघता महिना जाईल। हमारा तो ये बोलना है हमको एक 10 दिन का मोहलत मिल जाएगा तो हम लोग खाली करने के लिए तैयार है। हमारा ऐसा है नहीं कि हम लोग नहीं खाली कर रहे, सब खाली करने के लिए। बिल्डिंग की जो हालात है काफ़ी खस्ता हो चुकी है, कई कई ना कह सकते कि कई बड़ी दुर्घटना को ध्यान में रखकर महानगर पालिका ने आपको लोगों को खाली करने का आदेश दिया। हमको आज तक आदेश आया नहीं, कुछ नोटिस आई नहीं, यानी लिखी कुछ आया नहीं। हम लोग कल कमिश्नर से मिले, कमिश्नर बोलते तुम खाली करो, तो हम लोग आपका परिवार, हम लोग 25-30 परिवार रहते, हम लोग जाएंगे किधर? हमारी अस्थि जो इधर है, हम लोग 65-60 साल से यानी पिताजी से हम लोग इधर रह रहे, चलो कोई व्यवस्था नहीं करके दे। नहीं, नगर पालिका कुछ नहीं, नगर पालिका में सर्वे हम लोग, मैं खुद ड्राइवर हूँ महानगर पालिका। जानकारी को जो आप लोगों को यहाँ पर रूम खाली करने का आदेश दिया, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं खाली इतना बोलना चाहता हूँ कि हमको थोड़ी बहुत तो मुदत देना चाहिए, क्योंकि क्या अभी एक कोरोना की महामारी, ऊपर से ड्यूटी इतनी कड़क है कि किधर आना जाना नहीं होता है, और भाड़े का घर ढूंढने जाएंगे तो भी आज के तारीख में कोई भी भाड़ा देगा तो 8 या 10 हज़ार रुपये भाड़ा लेगा, और इतना भाड़ा हमारा पगार में तो नहीं परवड़ेगा। इसके लिए हमको थोड़ी बहुत तो मदद देनी चाहिए कि जैसे कुछ तो भी किधर तो भी पर्याय व्यवस्था कर सकते हैं। साहब असे बोले तो अभी करना क्या है, गरीब माणसं आम्ही जाणार कुठं? हाँ 25-30 परिवार आहेत, आता या वेळेला त्यांना करोना काल रूम कुठे भेटेल? 8-9 हज़ार भाडं आहे, कोणाला परवडणार? आता भेटतं तर कुठे भेटेल, जाणार कुठं? बोजी बस येणार, पावसाळा आहे, बिल्डिंगची जी परिस्थिती खूप खराब आहे, खूप डेंजर आहे, खराब आहे। आम्ही ते वेळोवेळी आम्ही खतगावकर साहेबांकडे भेटलो होतो, हिरे साहेबांकडे गेलो, शास्त्रीकर साहेबांकडे गेलो होतो, आता हे साहेब आहेत त्यांच्याकडे पण जा, त्यांच्या परसं आम्ही जातो आहे, आणि आत्ता काल आम्ही गेलो तर आम्हाला साहेब असे बोलले, प्रत्येकाला आम्ही झटका बसला आहे, काय करणार? काय बोलले साहेब? बोलले खालीच करा, पहिले आम्हाला बोलले आम्ही पर्यावस्था करू, आता गेले काल गेलो तर असे बोलले प्रत्येक झटका बसला आहे, करणार काय? मी हँडिकॅप आहे, माझी मिसेस हँडिकॅप आहे, आम्ही परिवार पावसाळ्यात जाणार कुठं? पण आता ह्या वेळात आम्ही जाणार कुठे? आणि आता करोना जिकडे तिकडे चालू आहे, आमचा पण थोडासा त्यांनी विचार करायचा, आमच्या बिल्डिंगला कधी काही केलेला पण नाही खर्च, आता आमचा विचार नको का त्यांनी करायला? याच्यासाठी आम्ही हे करतो, आता आम्हाला होत पण नाही।
हाथ पाय थकले आमचे तर जरा तेवढंच आम्हाला आधार वाटेल. आता पावसाळ्यात फार खस्ता हालत झालेली आहे तेव्हा पण त्यामुळे मनपा आयुक्तनी हे आदेश दिला असेल पालिकेला. पण आता एवढ्या पावसाळ्यात कुठे जाणार आम्ही, तुम्ही सांगा. आता 4 महिन्याचा टाईम आणि हा असा रोग चालू झालेला आहे. आता खोल्यासुद्धा मिळत नाही चटकन. लोकांना खाली करण्याची 2018 आम्हाला दिलं होतं पण त्याच्यानंतर काही झालं नाही. आजपर्यंत काही सुधारणा झाली नाही, काय नाही. आता ह्या टायमाला आम्ही कुठे जावा? 2 दिवसात आम्हाला रूम खाली करायला सांगितलं आहे. भेटायला पण रूम पण भेटायला पाहिजे ना आम्हाला. पण त्याची नगरपालिकेनी सोय करायला पाहिजे आम्हाला त्याची. नगरपालिकेने 2018 और 2020 बिल्डिंग स्ट्रक्चर का ऑडिट निकाला था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं ऑडिट में. तो अभी अचानक हम लोग को बोल रहे हो बिल्डिंग से निकल जाओ, दूसरी जगह तुम देख लो, बिल्डिंग धोखादायक है. तो अचानक हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे भी कुछ ये करना चाहिए ना उन्होंने, मतलब जगह देखनी चाहिए, हमको देना चाहिए पर्याय जगह. इसके मामले में नगर पालिका में सोचना चाहिए ज़रा हमारे बारे में भी. अभी एक पूरे बिल्डिंग में टोटल 48 घर है इधर. कहेंगे जिस तरह से आपके वार्ड में शिवाजी नगर में एक स्टाफ क्वार्टर है महानगर पालिका की, उस बिल्डिंग को धोखादायक घोषित करके खाली कराया जा रहा है बिना किसी सूचना, बिना किसी जानकारी को, जिसको लेकर उसके वहाँ के रहवासी जो हैं वो काफ़ी वंचित परेशान हैं. क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ये सबसे पहले तो मेरे वार्ड का नहीं, मेरे प्रभाग का मसला है. ये वार्ड नंबर 6 का मसला है और प्रभाग 5 का मसला है. तो एज अ प्रभाग सभापति आप मेरे से पूछ रहे हो, इसलिए मैं इसका आपको जवाब दे रहा हूँ. ये 4 दिन पहले का किस्सा है. मेरे पास इस बिल्डिंग के पब्लिक आई, मुझे कहा कि बाबा भाई इस तरीके से हमको खाली किया जा रहा है. जब मैंने इसकी मालूम लिया तो मैं आपके माध्यम से एक बात सबसे पहले क्लियर कर दूँ, वो बिल्डिंग कॉरपोरेशन की है, भिवंडी महानगर पालिका की. और जिस टाइम पे वहाँ रहने वालों को फ्लैट अलॉट किया जाता है या अलॉट किया गया था, उस टाइम उनसे एक एग्रीमेंट बनाया गया था कि जिस वक्त हम आपको खाली करने बोलेंगे आपको बिना किसी शर्तों के किंतु परंतु करके उसको खाली करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि हमको नोटिस नहीं मिली, तो हर आदमी को वहाँ नोटिस नहीं जाएगी. कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है, कॉरपोरेशन नोटिस, एक सिंगल नोटिस देगी अपने बांधकाम को, डिपार्टमेंट को, और उसको खाली कर सकती है. और दूसरी वजह, वो बिल्डिंग धोखादायक है, स्ट्रक्चर ऑडिट उसका हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कर्मचारी हमारे हैं, पिछले 40 साल से वहाँ रह रहे हैं. तो महानगर पालिका का ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको खाली करने से पहले उनको कहीं ना कहीं पर्यायी जगह दे. और जब मेरी डिपार्टमेंट में बात हुई तो मुझे ये पता चला है अनऑफिशियल तौर पर कि बाबा भाई कमिश्नर साहब से डिस्कशन चल रहा है, हम एक इस तरीके से पॉलिसी बना रहे हैं कि हर आदमी जो वहाँ रहता है उसको महीने का कुछ भाड़ा हम दें और वो कहीं भी भिवंडी शहर में अपना फ्लैट लेके रह सकता है. तो हम वही कोशिश के ऊपर है कि ये जो भी हमारे कर्मचारी भाई है, इनकी फैमिली है, इनको कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन जगह दे और इनको खाली कर दे.